दिलो चपनो। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से नामपल्ली पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर ये ऑपरेशन में आज इंटर स्टेट गैंग, इंटर स्टेट डेबिट कार्ड फ्रॉडस्टर गैंग, जिसके 5 मेंबर का आज अरेस्ट हुआ यहां। ये 5 मेंबर अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 31 डेबिट कार्ड्स रिकवरी हुआ उनके पास और 22,000 कैश की भी रिकवरी हुई। ये इंटर स्टेट गैंग 5 मेंबर के गैंग, जिसमें लीडर अखलाक अहमद सन ऑफ मोहम्मद एज 23 इयर्स, ये आईटीआई फिटर स्टूडेंट का काम करता है और रहने वाला पुनहाना ताल्लुक मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है। दूसरे गैंग मेंबर मुंतीज सन ऑफ साहिब खान एज 19 इयर्स, ये भी आईटीआई स्टूडेंट है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग का रिपेयर का स्टडी कर रहा है और रहने वाला मेवात हरियाणा का। तीसरा गैंग मेंबर तौफीक सन ऑफ जोहरुद्दीन एज 28 इयर्स, ये फ्रूट वेंडर का काम करता है और 10+2 इसका क्वालिफिकेशन है। ये रहने वाला पुनहाना ताल्लुक मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है। लास्ट 2 मेंबर्स तस्लीम, जो कि भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है और ये भी आईटीआई स्टूडेंट है, और आखिर में शकीर मोहम्मद, जो कि एग्रीकल्चर का काम करता है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला। तो ये इंटर स्टेट गैंग में 3 मेंबर हरियाणा के हैं और 2 राजस्थान के। इनके काम करने का तरीका बहुत यूनिक है। ये एक फर्स्ट एमओ अपने किस्म का है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के नोटिस में आया। ये लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं एटीएम जिसमें किसी तरह का गार्ड नहीं हो। आप लोग को मालूम है कि 2 तरह के एटीएम होते हैं इंडिया में, एक एटीएम जिसमें गार्ड मैनुअल गार्ड रहता है और दूसरा जो कि केवल कैमरा के थ्रू ही उसके ऊपर सुपरविजन होता है। तो ये लोग पहले उस तरह के एटीएम को टारगेट करते हैं जिसमें कि कोई मैनुअल गार्ड नहीं है। 2 आदमी एटीएम के अंदर जाने के बाद अपना दोस्त का या फैमिली मेंबर्स का डेबिट कार्ड लेकर ये लोग ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन शुरू करने के समय ये लोग जिस समय 11th आवर में बिल्कुल ट्रांजैक्शन जब निकल रहा है पैसा, उस समय लेफ्ट हैंड से उसका जो कैमरा है उसको बंद कर देते हैं, हाथ से कवर कर देते हैं। और जो ये गैंग मेंबर का जो दूसरा आदमी है, ये मशीन को फिडल करके मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम निकाल के उसको ट्रांजैक्शन को रोक देता है, लेकिन उस समय तक पैसा बाहर आ गया। तो ऑम्बुड्समैन के हिसाब से जो रूल है उसमें, जब उसमें है कि अगर ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट दिखाता है आपको, तो ये बैंक की जिम्मेवारी है पैसा आपको कस्टमर को देने का। तो ये इस तरीके से बैंक को चीट करते थे। और ये यहां जो आप पूरे कार्ड्स जो देखे हैं, ये सब ओरिजिनल डेबिट कार्ड हैं, इनके दोस्त इनके फैमिली मेंबर्स के नाम पे हैं सब। तो उस तरीके से ये लोग पैसा निकालते थे। जहां तक हम लोगों का सवाल है, ये लोग पहले भी जरूर बहुत केसेस किए होंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कंप्लेन नहीं आया है मीडिया प्रेस के तरफ से। मैं पूरे बैंक वालों को अपील करता हूं कि ये बिल्कुल एक नया एमओ है, एक बार आप लोग अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें एटीएम का। इस तरीके का और भी केसेस हुआ है क्या? ये अभी तक के हिसाब से 2 ट्रांजैक्शन नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में कंफर्म है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि 7 एडिशनल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। लेकिन हम लोग को जब तक फाइनल ऑफिशियल कंप्लेन एसबीआई या बाकी बैंक से नहीं आता है, तब तक हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन हमारे टास्क फोर्स और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मिलके किए। टास्क फोर्स के हमारे एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार, इंस्पेक्टर के मधुमोहन रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स श्री साइलम, के एन प्रसाद वर्मा, मोहम्मद थकीउद्दीन, वी नरेंद्र और पूरे स्टाफ मिलकर ये काम किए हैं। हमारे तरफ से सभी को हार्टी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।